अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेय देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हम लोग श्री राधा माधव चिंतन का स्मरण कर रहे थे। राधा माधव चिंतन एक ग्रंथ है, उसका स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। अत्यद्भुत ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर से निकला, नित्य लीलालीन परम आदरणीय परम पूजनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा प्रकट है। कहते आज उन्हें देखते ही श्री राधा जी वृंदा से बोली, वृंदा ये कौन है? कौन? वही कृष्ण जो कृष्ण से नित्य विहार करती हैं, वही कृष्ण जो हमेशा राधा रानी के अंतःकरण में रहते हैं, उन्हीं कृष्ण के लिए पूछ रही कौन है। वृंदा कहते श्री कृष्ण हैं। ये सुनते ही राधा रानी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, प्रीतम श्याम सुंदर ना जाने तो कितनी बार मेरे नेत्रों को सुख दे चुके हैं, परंतु आज मैं जैसा अपूर्व अतिशय माधुर्य देख रही हूं वैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ओहो आहा, इस समय तो इन प्रेममय के एक एक अंग से एक एक रोम से शोभाश्री की ऐसी शुद्ध धारा बह रही है कि उसकी एक बूंद आस्वादन करने के लिए भी मेरे नेत्रों में सामर्थ्य नहीं। मतलब श्री राधा रानी बतला रही हैं कि गोविंद का जो स्वरूप है वो कैसा है। हम विषयी लोग, संसारिक लोग, चमड़ी जो कि बदलती है और चमड़ी को देख करके एक दूसरे के प्रति आकर्षित और विकर्षित होते हैं, उनका कोई स्वरूप में ऐसी सुंदरता नहीं है, दिव्य आभा नहीं है, परंतु फिर भी इतना कामासक्त रहते हैं कि वो लोग
भगवान की मधुरिमा के बारे में क्या जानेंगे। श्री राधा रानी ये बतला रहे हैं कि मेरे नेत्रों का समर्थन है। अरे हमेशा आप श्याम सुंदर का ही ध्यान करते हैं, श्याम सुंदर का ही गुणगान करते हैं, श्याम सुंदर का ही दर्शन करते हैं। जिनका दर्शन कर रहे हैं, स्पर्शन कर रही हैं, जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रही हैं, वो अचानक से कैसे बदल गए? कहते नहीं पता नहीं, अप्रतिम। पहले की कोई उसका प्रतिमा नहीं है, पहले का जो था वैसा नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे नेत्रों का सामर्थ्य नहीं हो रहा है कि मैं उनका दर्शन कर पाऊं। कहते हैं प्रतीकये एकस्य स्फुरित स्फुरति मुहुरंगयस्य सखीया श्रियस्य तस्य पातुं लवमपि समर्थनाद्री गियम् सखीरी यह अनुभव की बात प्रतिपल दीखत नित नव सुंदर नित नव मधुर लखात। अरे सखी क्या कहूं, ये श्याम सुंदर को नित देख रही हूं लेकिन देखते हुए भी एक तो अघा नहीं रही हूं और अगर कुछ क्षण के लिए मैं कुछ अन्य सेवाओं में हूं पुनः देखती तो पुनः अलग सुंदर हो जाता है। जैसे संसार में तो कोई उदाहरण है नहीं, सारे उदाहरण ऐसे ही हैं। जैसे पहले छोटा सा एक अंकुर देखा, फिर कली देखी, फिर कली थोड़ी सी ऐसी देखी, फिर ऐसी देखी, ऐसी देखी, ऐसे पूरी खिल गई। अब खिलने के बाद और क्या खिलेगी, लेकिन ये खिलने के बाद भी खिल रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें क्या अनुभव की बात बताऊं, प्रतिपल दीखत नित नव सुंदर, मतलब अभी जो देखा है ना तो अगला क्षण जो है वो बदल रहा है। कहते ऐसे कैसे, भगवान और श्री राधा रानी में एक तरह का होड़ है। राधा रानी कृष्ण के रूप की मधुरिमा को पान करके आनंदित होती हैं, इसलिए कृष्ण रूप अपना वर्धन कर रहे हैं, कृष्ण अपने सौंदर्य का, क्योंकि उन्हें सुख हो रहा है इसलिए अपने स्वरूप का वर्धन कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीला है। अब इंद्रिया तो अब जब नहीं है कल्पना कर सकते तो उसका तो कोई है नहीं। अब राधा रानी बोल रहे भैया वो तो सत्य कह रहे हैं, कहते कछुवे होत न बासी कबहू, कछुवे होत न बासी कबहू। ए लाला कलू ऐसे तू कालो कालो सा है, रखो वहां में धूल चपक रही, या बदलने ने कैसे मत आयो कर, कोई नहीं कह सकता। राधा रानी की तो बात छोड़ ही दीजिए, वही गोधूली है, उसी गोधूली में कभी लाल हो जाते हैं, कभी और सांवरे हो जाते हैं, कभी उजरे हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाते हैं, यमुना तट से आते तो उजर हो जाते हैं, सफेद गोरे से हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ऊपर जो लगता है यमुना तट के बालू का जो, अब वो जब मट्टी से हो कहते मटमैले हो जाते हैं। अब ये तीन ही रंग तो बदलेंगे, चौथा कहां से आएगा। कहते वो स्वयं का एक स्वरूप है, अत्यंत अद्भुत बात। देखत देखत जन्म सिराण्यों तौ नैन नित तरसत नित नूतन रस बरसत, नित्य नूतन रस बरस रहा। ये बात को समझिए, हमको वहां ले जाने के लिए ही चैतन्य रूप से श्री राधा रानी आई। कृष्ण नहीं आए,
कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं वैष्णवगण, वास्तविकता में राधा रानी ही चैतन्य स्वरूप से आए। कैसे? कृष्ण तो अपने को भूल ही गए कि मैं कृष्ण हूं। राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कांति स्वरूप, अब दोनों ही अंदर भी वो ही है बाहर भी वो ही है। अंदर भाव उनका, बाहर कांति उनकी, तो कहां कृष्ण? पता ही नहीं कृष्ण को कि मैं कृष्ण हूं। वो कहां कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन कहते रो रहे। तो मैं तो यूं कहूं कि श्री राधा रानी ही चैतन्य स्वरूप से आई, इसलिए नमो महावदन्य आए, महान दात्री बन के आए। अब समझने वाली बात, जैसे वो चना, चने का वो होता ना गोल गोल मीठा जो सफेद होता है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर चना रहता ऊपर सफेद चीनी रहती, गुड़ नहीं, चीनी रहती ना सफेद सफेद पाउडर रहता है उसको, क्या गुड़ मखान ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ मखान, मखाना उसके अंदर रहता है, क्या रहता है, चना, जहाँ इलायची दाना बोलते हैं अपने यहाँ पे, इलायची रहती है काली वाली, अब बीच में इतनी सी इलायची, लोग इलायची अकेली खा लेंगे? ये राधा रानी इसी तरह से ओत प्रोत हैं इलायची पे, भले ही अंदर हो कन्हैया लेकिन आए पतो ना है मैं हूं कि ना है। यस, ये बात कहते हैं बड़े एक प्रेम से इस बात को समझने का प्रयास करें। श्री राधा प्रेम समुद्र में नित्य नई तरंगे उठती रहती हैं। यहां उन तरंगों में से दो एक की झांकी कीजिए, दो एक का दर्शन करा रहे हैं। नित्य नई तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। राधा रानी श्याम सुंदर को जो देखती हैं, इतने अनंत तरंगे पैदा हो रही हैं। अब एक तरंग में एक ब्रह्मा जी खत्म हो जाए, इतनी बड़ी तरंग है, बोलो वृंदावन। समझ आया कुछ जो मैंने बोला? बिहारी लाल की तो जय कर दई। मतलब एक भाव तरंग जो है गोलोक धाम की, ब्रह्मा जी खत्म हो जाए, इतनी ऐसे ना सोचना कि धीरे है, धीरे नहीं है, इतनी मधुर है कि वो वर्तमान में आज भी है। हमारी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी वो वर्तमान में रहेगी। तो कोई भी भाव तरंग वहां की अनित्य नहीं, इसलिए नित्य लीला है। ध्यान से सुन, इधर देख, तभी समझ आएगा। कहते एक बार बातचीत के प्रसंग में श्री राधा जी के सामने ललिता जी के मुख से कृष्ण नाम उच्चारण हो गया। बातचीत के प्रसंग, अब कृष्ण नाम ही उच्चारण हुआ तो क्या कृष्ण नाम नहीं लेते थे वो लोग? आपस में क्या बोलते थे, कहाँ है वो, हरि प्रियतम, ऐसे ठाकुर जी का नाम लेते ही क्या हुआ, श्री राधा जी अत्यंत विवश होकर के कहने लगे, सखी सखी एक क्या क्या सुनाया तूने, ये क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया अभी तूने बोला कुछ। ये भाव देख करके ललिता जी का भाव बदल गया कि राधा रानी अभी मैंने जो नाम बोला उस नाम में इतना इनको सुख मिला कि ये भूल गई कि ये कृष्ण नाम हम नित्य कर रहे हैं, नित्य सुन रहे हैं। लेकिन एक भाव देखिए, लिखने वालों जो बोलने वाले जो परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं कि उनके हृदय में कैसे दिव्य भाव आ रहे हैं। क्या क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? कौन है, कौन है इसने मेरे कानों में प्रवेश करके मेरा सारा धैर्य हरण कर लिया,
मैं जो धीर स्थिर हूँ, मेरी धीरता जो है अधर हरण कर ली और मैं अधीर हो गई हूँ। क्या सुनाया, बोले बोला बोला, बता किसका नाम था वो, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है वो? ललिता जी ने राधा जी की बात सुनकर कहा, अरे राग अंधे राधे, नया शब्द, अरे राग अंधे राधे, राग मतलब अनुराग में, प्रेम में हो गई अंधी, राग अंधे। तुम माला छोड़ोगे तभी कुछ समझ आएगा, नहीं तो ऐसे ही बस समय पास कर रही हो। अरे राग अंधे राधे, तुम ये कैसी अज्ञता किसी बात कर रही हो, तुम तो नित्य श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करती रहती हो। राधा जी ने कहा, सखी परिहास ना करो, मजाक मत करो। तब ललिता जी बोली, पगली अभी अभी तो मैंने तुमको उनके हाथों में समर्पण किया था, अभी तो मैं छोड़ के आई थी तेरे को उनके हाथों में। तदंतर श्री राधा ने बहुत देर तक सोचने लगी और सिर हिलाते बोली, हाँ सत्य है, इन कृष्ण को बस अभी आज ही देखा है। समझ लग रही है? सो भी जन्म भर में एक ही बार तो बिजली की तरह देखा। कछु समझ आ रही है? आवेगी नहीं खोपड़ी में। सत्यम सत्यमसो दृगंग दृगनंग मद अगाध्ये विद्युत निभा। हा हा हा, तूने सच का सच का, हाँ वो विद्युत की तरह जो चमका था अभी, नाम कृष्ण, उसको देखा था मैंने। कहते नित्य तुम वक्षस्थल में विराजमान, पागल हो गई हो क्या? ललिता जी सिर्फ हैं जो राधा रानी को ऐसे कह सकते हैं। ललिता जी के अलावा कोई सखी नहीं श्री राधा रानी को डांट सके, प्यार कर सके, रूठ जाए तो मना सके, गोद में बिठा सके, कोई और नहीं। ललिता जी सर्व अष्ट सखी शिरोमणि, मेरे शब्द हैं ये, ललिता जी अष्ट सखी शिरोमणि है। राधा रानी तो सखियों में गिनी नहीं जाती, अधीश्वरी है। एक दिन निकुंज में श्री राधा रानी की प्रिय श्याम सुंदर के साथ प्रेम चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनते सुनते श्याम सुंदर गदगद हो गए, ऐसे हो गए। राधा जी ने जो कुछ कहा उसमें विचित्र प्रेम राज्य में से, मेरा वो ले आना रिंग, ओ बाहर नहीं है। श्याम सुंदर गदगद हो गए। राधा जी ने कुछ ऐसा कहा कि उससे पवित्र प्रेम राज्य में वे किस भूमिका पर स्थित हैं और प्रेम तथा प्रेम लीला का क्या स्वरूप होता है, विचार करने पर इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अब जो झांकी अब दिखलाने जा रहे हैं वो भाव समझेगा, इसका मतलब ये है कि अभी जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, जिसने जीवन में सूरज ना देखा हो उसको जो सूरज का चित्र दिखलाया जा रहा है उसको बोला जाएगा ये सूरज है। जैसे छोटे बच्चे को डक दिखाई जा रही हो, कहाँ पे, किताब में, जिसने वो गाय नहीं देखी, वो हंस नहीं देखा, उसको दिखलाया जा रहा है कि देखो ये हंस, इसको हंस कहते हैं, हैं? वो जो हंस बोल करके उसको दिखला रहे हैं, ऐसे ही हमें दिखला रहे हैं बोलो वृंदावन। हम अनुभव नहीं कर सकते रियलिटी में सूरज कैसा, बच्चा जैसे, उसने देखा ही नहीं, आंख देख ही नहीं सकती उसकी। कहते थोड़ी बता रहे हैं, थोड़ा ऐसे ही समझो। मेरे तुम मैं नित्य तुम्हारी हरी जी, ठाकुर जी से राधा जी कह रहे हैं, मेरे तुम मैं नित्य तुम्हारी, तुम मैं तुम संग
असंग मेरे तुम, मैं नित्य तुम्हारी। मेरे आप हो, आपकी मैं हूं नित्य, लेकिन तुम मैं, तुम जो है, तुम जो हो मैं हूं, और जो मैं हूं वो आप हो। लेकिन फिर ये क्या है, एक संग रहते हुए असंग पता ही नहीं है कि नहीं, कोई समझ पाएगा इस चीज को? जल में ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन, दोनों ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ में, लेकिन फिर भी दोनों अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, राधा रानी कहती, पता नहीं कब से मैं तुम बन। इधर ध्यान दो, पता नहीं कब से मैं तुम बन, तुम मैं, तुम मैं बन कर रहे रंग, तुम मेरे मैं तुम्हारी, तुम मैं तुम, संग असंग मेरे तुम मैं तुम्हारी। होता जब वियोग तब उठती तीव्र मिलन आकांक्षा जाग। जब वियोग होता तीव्र मिलन की आकांक्षा जगती है, पल अमिलन होता असहय तब, पल अमिलन नहीं मिलन हुआ, होता असहय तब लगती हृदय दधकने आग। हृदय में आग लग जाती, पल भर की आपका दर्शन नहीं होता। कौन कह रही हैं? चलती मैं रस सरी उन्मादी, विह्वल विकल तुम्हारी ओर। मैं भागती हूं फिर रस सरी मतलब रस में डूबी हुई पागल होकर उन्मादनी की तरह दौड़ती हूं। चलते उमड़ मिलाने निज में तुम भी आए हैं। क्या बात है, चलते उमड़ करके तुम भी, मैं दौड़ती हूं किधर जाऊं कहां जाऊं, और तुम भी उसी प्रकार से समुद्र में जिस प्रकार से उफान आता है। उमड़ मिलाने निज में, मेरे को अपने में मिलाने के लिए, तुम भी रस समुद्र तज छोर, तुम भी जो है सारी सीमाओं को तोड़ करके मुझे अपने में समाने के लिए बोलो वृंदावन बिहार, मिलाने के लिए महान उन्माद लेकर के प्रकट होते हैं। समझ सकते हो? नहीं समझ सकते, सिर हिला रहे हो? हाँ, नहीं समझ, कोई नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हमको जन्म देने वाले सृष्टि करता, या बलदेव जी भी नहीं समझ सकते जो आदि कारण है सब अवतारों के कारण, वो भी नहीं समझ सकते, स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ सकते, राधा रानी भी नहीं समझ सकती, तो तुम्हारी क्या विसात है? जो स्वयं को ना समझ पाए, स्वयं के रस को ना समझ पाए, और बोल देखो क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे, मैं तुम मैं, एक कम हुए थे कुछ पता नहीं और थोड़ा सा बिछो हुआ पागल की, वो पागल की तरह उन्मादनी होकर के मैं दौड़ने लगी, कहां पाऊं तुम्हें, कहां जाऊं तुम्हें, और तुम महान समुद्र की तरह मुझे अपने में समाने के लिए उठे। लीला रस अस्वादन हित तुम, मैं बनकर वियोग संयोग। ये जो लीला रस आस्वादन के लिए तुम कृष्ण, तुम मैं बनकर,
मैं तुम ही हूं, लेकिन तुम मैं बनकर वियोग संयोग कर रहे हैं। आगे कहते हैं, धर अनेक रस रूप रमन, रमणी करते नव नव संभो। कहते हैं अनेक रस इस संसार में, क्या रस मलमूत्र के अलावा क्या रस है ही नहीं। वहां अनेक रस, कैसे रस? ठाकुर जी के नख को देखा, नाक को देखा, नख को देखा, ठाकुर जी के आंखों को नहीं देखा, आंखों के छोर को देखा। उन आंखों के छोर की कोर में जो आनंद मिल रहा है, जीव उससे निकल करके और कुछ सोच ही नहीं सकता। ये बातें जो आपको सुनाई पड़ रही है ना, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। जिसकी हालत हुई है ना, वही जानता है। वो बड़े सुंदर बात गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोली ना, अरे प्रभुपाद जी कृष्ण बंसीदास बाबा जी महाराज ना, कृष्णदास बाबा जी महाराज, सॉरी कृष्णदास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, तो एक ब्रह्मचारी ने ऐसे कीर्तन किया, वो देव छड़ी ठास करके मार दिया उसको उन्होंने। तुम तो गा के चले गए, जिसका तो वही जानता है, तो जिसका हृदय फट गया वही जान। तू ये जैसे मानो गोपीनाथ मम निवेदन सुन, ये कीर्तन में कितनी दीनता है। वो उसने गा दे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो आमी विसोई दुर्जन सदा कामे। अरे क्या गा रहे हो, उसमें भाव नहीं, उसमें वो गहराई नहीं, गा के चले गए। अब जिन्हों भक्ति विनोद ठाकुर ने जिन्होंने लिखा, उनको कैसे लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है? और जो हम सुन रहे हैं, हमारा हृदय कैसे फट रहा होगा कि ये क्या कर रहा है? कृष्णदास बाबा जी महाराज कीर्तन बहुत सुंदर करते थे। गोपीना उनका कीर्तन तो अलग है, मतलब गिरी गोस्वामी महाराज, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो आमी विसोई दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ किछु नाही मोर गुण। हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुने, मैं सदा विषयों में रत हूं, कुछ गुण है ही नहीं। ये बोलते हुए कितनी गहराई, कितना अंतकरण बाहर निकालने का भाव है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, एक आजकल जो आधुनिक गाने वाले, कहां उनका भाव, आमी विसोई दुर्जन सदा कामी रत किछु नाही मोर गुण। कहा वो भाव, मैं विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु। इस प्रकार से जो भाव में भावित हो करके कीर्तन गाने वाले भक्त, उनके सामने जो भक्ति विनोद ठाकुर ने भाव को प्रकट किया, उसको आधुनिक डिंग 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 गोपीनाथ मम निवेदन सुनो आमी विसोई दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण। उनका हृदय फट जाता है ना। यही बात यहां कह रहे हैं कि हम आपसे मिलते हैं जहां आप हमसे मिलते हैं, मैं आप हूं जहां आप मैं हैं, ये हमें पता नहीं दोनों को। बोलो वृंदावन। लेकिन जब रमण रमणी का भाव हो करके हम एक दूसरे, जब आप रमणी का भाव जा मेरा रमण का भाव, मैं राधा रमण जा तुम राधा, जब हम मिलते हैं तो नित्य नव नव प्रकार के भाव उदित होते, उनको हम भोग करते, उनका हम पान करते। भोग मतलब होता पान करना,
किंतु मैं ना रमणी, किंतु मैं ना रमणी, ना रमण तुम, मैं रमणी भी नहीं, राधा भी नहीं, और तुम राधा रमण भी नहीं। मैं ना रमणी ना रमण तुम, एक परम चिन्मय रस तत्व, एक परम चिन्मय रस तत्व है। ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, लेकिन एक अपूर्व दिव्य जल स्रोत है। अब इसमें भेद कौन करेगा कि कौन सा ऑक्सीजन है इसमें, कौन सा हाइड्रोजन है इसमें? ये एक तत्व है, ये बात कह रहे हैं। राधा रानी के लिए गंदा है ये उदाहरण, मतलब क्या करें, शब्द आपके पास और कहां से लाएं? सुगंध को आप हो सकता है अलग करना की कोशिश करो, लेकिन सुगंध चंदन में नित्य है तो है ही है। चंदन के बिना गंध, सुगंध के बिना चंदन नहीं है तो नहीं है, उसके हर कण में है, जितना घिसोगे उतना ही है। इसी प्रकार से हे श्याम सुंदर, मैं आपकी रमणी भी नहीं और तुम हमारे रमण भी नहीं, हम तो एक ही चिन्मय तत्व हैं। आश्चर्य है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, राधा रानी कहते मुश्किल ही हो रही। आश्चर्य विषयावलंबन बन नित, कहते आश्चर्य ये है फिर भी हम एक दूसरे से अलग हैं, ये क्या है? लीला रत रुचि सुचितम तत्व, लीला के लिए एक दूसरे से अनुरक्त होकर के पवित्रतम तत्व बने हुए हैं, ये राधा रानी ने कहा। अब आप बताइए, कृष्ण बोल रहे हैं या राधा रानी बोल रहे हैं? राधा रानी बोल रही, राधा रानी क्या बोल रही कि मैं आप हूं और आप मैं हूं? अब वो उनको कौन बोल रहा है? वो कह रही हैं, पता नहीं कब से मैं तुम बन के, पता नहीं है मैं कब से तुम बनी हुई हूं, और ये भी नहीं पता कि तुम कब से मैं बनी हुए हो। हम दोनों रंग कर रहे हैं, कड़ा का पता ही नहीं है कब से। ये आज हम बेवकूफ लोग जल तत्व के अंदर से दो भाग कर रहे हैं, H2O। वास्तविकता में जल तो नित्य तत्व है, पंचमहाभूतों के अंतर्गत जल तो नित्य तत्व है, हम उसको फाड़ करके दो कर रहे हैं। उसमें तीसरा तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ को आदमी पानी नहीं पी सकता, मालूम है? कृत्रिम बरसात करने की कोशिश की अमेरिका ने, कृत्रिम बरसात, बरसात जानते, कृत्रिम बनावटी बरसात, एसिडिक, एल्कोहलिक और एसिडिक बन गई, उससे फसलें सारी बर्बाद हो गई। तीसरा तत्व कौन सा है वो उनके हाथ में नहीं आता। ऐसे ही श्री राधा रानी और कृष्ण एक हैं, फिर भी जो दो दिख रहे हैं उनमें दूसरा जो बीच वाला तत्व कौन सा है वो किसी को नहीं पता, वो स्वयं भी नहीं जानते। बोलो वृंदावन। तो अगर राधा रानी नहीं बतलाती तो कौन बतलाता? कृष्ण। कृष्ण अपना स्वादन ही नहीं कर पाते तो राधा रानी बताएंगे तुम्हारे में क्या है, और ठाकुर जी राधा रानी के लिए बताते तुम्हारे में क्या है। वो भी अद्भुत है। फिलहाल प्रियतम श्याम सुंदर, तुम मेरे हो, मैं नित्य तुम्हारी हूं, तुम मैं हो और मैं तुम हूं, हम दोनों साथ रहते हुए भी असंग हैं, साथ हैं फिर भी साथ नहीं है। आप जितने लोग बैठे हो आपको समझाने के लिए कोई भी जवाब नहीं है, समझने के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूं, कोशिश करना, प्रयास करना समझने के लिए। आपकी उंगली पैर की या हाथ की छोटी सी इसमें पिन घुसाई जाए
तो वह आपको घुसाई गई या हाथ को घुसाई गई? हाथ, उंगली को। आपको कष्ट तो नहीं होना चाहिए, आप तो अलग हो ना उससे। आप जिस प्रकार से शरीर में पूरी तरह रमे हुए हो और शरीर में पूरी तरह ओतप्रोत हो, वो एक पिन घुसाने से मच्छर को कई बार उत्पात करते। मैं उनको बोलता हूं, मैं गुरुजी नहीं हूं, मार देता हूं मैं तो। भाई तुम ये मत सोचो कि गुरुजी को काट रहे, हमारे गुरुजी मच्छर नहीं मारते थे, ऐसे कर देते हरिओ हरिओ, वो मच्छर करके हमें गुस्सा आता था। भाई हम है ही नहीं गुरुजी की तरह, नहीं है तो नहीं है। गुरुजी राधा रानी के भाव में भावित होकर के उनकी सेविका के रूप में हम दाऊ जी के, तो ये चीज। तो बात को समझना, जिस प्रकार से शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति हमारा एक लोम भी खींचे तो हमें तुरंत ऐसा लगता कि मेरे को कष्ट हो रहा है, हम ओतप्रोत है ना। कितना गंदा उदाहरण है ये ना, शरीर के साथ आत्मा का इस प्रकार से मिलन है और मतलब गंदगी में आत्मा पड़ी हुई ये सोच रही मैं यही गंद हूं। कितना अद्भुत गंदा सा ये उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए आत्मा में परमात्मा का मिलन, राधा रानी श्याम सुंदर एक तत्व हैं, एक कैसा होगा अद्भुत। जब दोनों ही तत्व चिन्मय हैं, जब दोनों ही तत्व में जड़त्व नहीं है, जड़ नहीं है, माया का कोई आवरण नहीं, दोनों ही तत्व जब एक हो तो कैसे होंगे, जब ये शरीर में हम अपने आप को अलग कहीं पे दिखला नहीं पा रहे। इस शरीर में हम अपने आप को अलग कहीं दिखला नहीं पा रहे। कल्पना कीजिए कि ये जड़ तत्व में हम इतना मिल गए कि हम इसमें से अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर पा रहे, इतना मिलान है हमारा। और ये टोटली हमेशा से अलग था, अलग है, अलग ही रहेगा। अब इसको देखो, अलग था, अलग है, अलग ही रहेगा, इसको देखोगे तो समझ आ जाएगा। जिस दिन समझ गए उस दिन समझना कि आप कुछ समझ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है तो उसको संकुचित करके एक स्थान पर एकत्रित नहीं किया जा सकता। कौन करेगा? मन बुद्धि करेगा, कौन? स्वयं आत्मा ही तो है। स्वयं आत्मा ही करे, तभी हो सकता। हाँ, वो आत्म चिंतन, आत्म मंथन, आत्मा के द्वारा जो साधन है, आत्म साधन, उसी से संभव होता है। वो क्या है? जब बैठते हैं, हरिनाम करते हैं, भजन साधन करते हैं, उस वक्त साधन करते हुए केवल साधन में, मंत्र में ध्यान रहे। जब ऐसी स्थिति आने लगती धीरे 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 सैकड़ों दिनों बाद वो एक स्थिति आ जाती कि आप पूरा शरीर एक तरफ पड़ा रहता है, बैठा रहता है, आप जो है भगवान की नाम को करते हुए उन्माद में होकर के प्रेम में आप धाम में विचरण कर रहे होते हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा होता है। ये तरीका है आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का, आत्म साधन का, आत्म भजन का। ठीक है, पता नहीं कब से मैं तुम और तुम मैं बने हुए खेल कर रहे हैं। ये वियोग होता है तब अत्यंत तीव्र तीव्र मिलन की आकांक्षा का उदय होता है। फिर एक एक पल का, जब आप एक एक पल भी ऐसा लगता है हृदय जला देता है कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। ये तुम लोग को नहीं लग सकता है, चलो लग सकता है। हाँ यस, जैसे अनुभव होगा। अभी हम तीन गिनेंगे, आपने सांस रोकना, जब तक मैं नहीं बोलूं सांस छोड़ने को तब तक छोड़ना नहीं। ठीक है, एक दो तीन।
जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट पे अब प्राण छूट जाएंगे, अगर नहीं लिया सांस तो गया, वो जो लास्ट मोमेंट का हमारा कुछ जो माइक्रो सेकंड की स्थिति होती है ना, वो स्थिति शुरुआत में ही राधा रानी की हो जाती है कृष्ण वियोग में। समझ आई? जो हम इतनी देर रोक के बैठ पाए, वो आखिरी वाली स्टेज, वो स्थिति पहले पॉइंट पे होती है। ऐसा दिव्य भाव है। असहय उठता और हृदय ज्वाला धधकने लगती कि अब कब मैं सांस लो, कब सांस लो, जैसे तो आपका दर्शन ही मेरा श्वास है, आपके बिना कितनी देर और सहन करूं, हृदय जलने लगता है। उस समय मैं रस सरिता उन्मादिनी और विवल विकल होकर तुम्हारी ओर चल पड़ती हूं। उस समय मैं उन्मादिनी होकर के, जैसे वो नदी होती है ना, वो पागल होकर के दौड़ती है, जो भी रास्ते में आता उसको फोड़ती चली जाती है कि मैं ऐसे भी तुम पागल होकर के तुम्हारी तरफ उन्मादनी होकर दौड़ती हूँ, और उधर तुम भी अपने सारे जो सीमाएं हैं उनको तोड़ करके उफान लेकर के मुझे अपने में समाने के लिए दौड़ते हो। समुद्र कहते उधर आप रस समुद्र अपना कूल किनारा त्याग कर अपने में मिला लेने के लिए आप उमड़ पड़ते हो। फिर आप जब चलते हुए आते हो, आप गए गैया चराने के लिए, मेरे लिए एक एक पल असहनीय हो जाता है, लेकिन जब असहनीय कि वो सहन नहीं किया जा रहा है, अब गए तब गए प्राण की अवस्था आती है, तब वहां आप एकदम जब गायों को लेकर के वापिस आ रहे होते हो, उस समय जब गायों के चरणों की धूल से बादल जो है एक तरह का बादल जैसा आवरण बन जाता है, एक चमक बन जाती है, तो मुझे ऐसा लगता मेरे श्याम सुंदर आ रहे। मैं भी पागल होकर के दौड़ रही होती हूँ, मेरा मन दौड़ रहा होता है, और आप भी उधर से जो है आवेग लेकर के अपने में संभाल लेने के लिए, मुझे ये दिव्य भाव है, कोई नहीं समझ सकता। नहीं सुनते आपका प्रश्न है, इस अवस्था में श्री राधा रानी और ठाकुर जी हैं कि वह अपलक अमिलन हो ही नहीं सकता उनका, ऐसी स्थिति में एक पल के लिए भी उनका अमिलन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? श्री राधा श्री राधा क्या बोलते हो, कौन सुनेगा? वो अपना नाम सुन सकती हैं, राधा 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 चिल्लाते रहो, उनको लो हे कृष्ण तुम प्राण सखे मम, तुम बिन राधा आधा, जैसे बोलेंगे राधा रानी, अरे कौन आएगा, वो मेरे ठाम सुन तो बुला रहे हो, कौन आएगा, दौड़ के आ जाएंगे। और दोनों अगर एक मिलन की स्थिति में हो, मिलन की स्थिति में हो, तो उस समय युगल छवि ऐसी 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 कैसी, दो चंदा बन दो चकोर देखत नित नित निज की ओर, दो चंदा बन दो चकोर, दोनों चंदा दोनों चकोर हैं, खुद को ही खुद में देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ठाकुर जी श्याम सुंदर जी राधा रानी के नयनों में जो दर्शन कर रहे हैं उसमें अपनी प्रतिछवि देख रहे हैं, देखते हुए इतना समा गए, कहते कि मैं राधा जी ना अपने को भूल जाते, मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण कृष्ण को देख करके आकर्षित होने लगते हैं, अपने ही प्रति स्वरूप को देख के आकर्षित होने लगते हैं, और हा कृष्ण बोल करके राधा रानी से चिपट जाते हैं। बोलो वृंदावन, समझ सकता नहीं कोई इस जगत में, ये बातें वास्तविकता में इस संसार के लिए है ही नहीं,
है ही नहीं, ये सिर्फ एक तरह से एक बतलाया ना सबसे पहले जो उन्होंने बोला अनुमान, ये अनुमान है, ये परिमाण नहीं है, अनुमान है कि यहां ऐसा है, तो ऐसा में अनुमान में ये हालत कर रखी कैसे नित्य अवस्था में होगा। वस्तुतः हम दोनों में कभी अलगाव या बिछो वियोग होता ही नहीं, पर लीला रस आस्वादन के लिए तुम और मैं स्वयं ही वियोग और संयोग बनकर, वाह बड़ी सुंदर शब्द, लीला रस आस्वादन के लिए आप और मैं क्या बने, वियोग संयोग। ये वियोग और संयोग जो शब्द है ये ही हम बन गए, बात समझ आई नहीं आई ना, आनी भी नहीं। रमण रमणी रूप अनेक रस विग्रह धारण कर नए नए ये उपभोग कर रहे हैं, नए नए आनंद में हम डूब रहे हैं। वस्तुतः मैं रमणी नहीं हूं और तुम रमण भी नहीं हो, हम दोनों तो एक परम चिन्मय तत्व विशेष हैं, और हम ही दोनों सुंदर पवित्रतम तत्व परस्पर आश्रय अवलंबन और विषयावलंबन पर कर नित्य लीला विलास करते हैं। कुछ समझ आई बात, पता नहीं राधा अष्टमी के दिन यही लीला क्यों आई, ये बतलाने के लिए कि राधा जी की कोई अष्टमी नहीं है, राधा जी का कोई जन्म नहीं है, राधा जी की कृष्ण की कोई जन्माष्टमी नहीं है, राधा अष्टमी बोल करके कोई भी घटना नहीं है, सूर्य उदय बोल करके कोई भी बात नहीं है, सूर्य उदय बोल करके कोई भी बात नहीं, सूर्य अस्त बोल करके कोई बात, बस ये हमारा एक भ्रम है, सूर्य उदय हो रहा है देखो आंखों से जल डालो, हमारा एक भ्रम है, सूर्य अस्त हो रहा है नमस्कार करो प्रभु जल्दी से सवेरे आओ पुनः जल्दी आओ, ये हमारा भ्रम है, सूर्य उदय और अस्त कभी होता नहीं, यही बात है कि भगवान की कभी जन्म भी नहीं होता, कभी भगवान का आविर्भाव भी नहीं तिरोभाव भी नहीं होता, ये होता ही नहीं, ये तो केवल शब्द हैं, और कहते हैं उन्हीं शब्दों के कारण हम, आप मेरे विषय हो और मैं आपके आश्रित हूं, आप मेरे विषय हो और मैं आपकी आश्रित हूं, ठाकुर जी बोलते आप मेरी विषय हो और मैं आपकी आश्रित हूं, ये आश्रय विषय। सौंदर्य अमृत सिंधु भंग ललना चित्ताद्री संप्लावक कर्णानंदी सना नरम रम्य वचन कोटि इंदु शितांगक सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्य धर श्री गोपेन्द्र सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियान्याली में। ये श्याम सुंदर यहां पे चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक दिया है उसे पढ़ लेते हैं। ये श्याम सुंदर आप जैसा चाहें मैं वैसी हूं, आप अगर चाहें मुझे कष्ट दे करके आनंद प्राप्त करना तो आप मुझे कष्ट दीजिए, कृपया दीजिए, क्योंकि आपको मेरे को कष्ट देने में आनंद आ रहा है, आपको आनंद आए यही मेरा परम सुख है,
आश्लिष्य वा पादृतां पिनष्टुं मां मदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वविदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दातार। आइए 2 मिनट कीर्तन करेंगे। ओ मेरे तो गला बैठा हुआ है। कैसे दे रहे हो? पावन परम उदार वंदो श्री राधा चरण परम उदार वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार वंदो श्री राधा चरण पावन पर वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार भय विषाद अज्ञान हर भय विषाद बोल नहीं सकते भय विषाद अज्ञान हर भय विषाद अज्ञान प्रेम भक्ति दाता
दाता वंदो श्री चरण पावन परम वंदो श्री राधाचरण पावन परम वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार 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 भय विषाद अज्ञान हरे भय विषाद अज्ञान हरे भय विषाद अज्ञान हरे भय विषाद अज्ञान हरे प्रेम भक्ति दातार प्रेम भक्ति दातार प्रेम भक्ति दातार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार वंदो श्री राधा पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार चरण पावन उदार चरण पावन परम उदार चरण राधा 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 चरण वंदो श्री राधा पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण पावन परम उदार पावन परम उदार पावन परम उदार वंदो श्री राधाचरण अगर आप लोग ढंग से पीछे बोलने शायद मेरा मन राधा जी के चरणों तक पहुंच जाए।
वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, वंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, वंदो श्री परम उदार। भय विषाद अज्ञान हर, भय विषाद विषाद अज्ञान हर, भय विषाद अज्ञान हर, प्रेम भक्ति दाता, प्रेम भक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक साथ हरि हराय नाम कृष्ण यादवाय नाम माधवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन श्रीधारी गोपीनाथ मदन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोसाई करि चरण वंदन जाहिं विघ्ना सब सतुना ऐछे गोसाई यार मुई तारदा आसवार पदरे नु मोर पंच का तादे चरण से भक्त सुनिवास जन्म जान में होए अभिलाष ऐछे गोसाई जब ब्रज कैलावा राधा कृष्ण नित्य विहार मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव भरे मधयम श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा कहिरे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह महादेव शरण कपन नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद मस्त शिला टंकन कलय बागी साय सेवत में यशस्ते समेत नरसिंह महाम भज श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलाद जय बदनाम पदनामृंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदेश्वरा मैया की जय राधा रानी की जय परम अरध्यतम पतित पावन परम करुणामयम विष्णु पादिक स्वार श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज की जय परम करुणामय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय परमहंस कुल चूड़ामणि शिवशिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय जय परम पूज्यपाद परम करुणामय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय वैष्णव साहब भोग जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय कृपानुगुरुवर्ग वृंद की जय कंसतत्वात्म श्री गौर हरि की जय तुलसी महारानी की जय गिरिराज गोवर्धन की जय रावल धाम की जय बरसाना धाम की जय विश्वानु महाराज की जय कीर्तिदा देवी की जय जय श्री राधाष्टमी उपलक्ष्य महा 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 उत्सव की गौर प्रमाणम देवी।